आज इंदौर में बड़ा हादसा टल गया। बच्चों से भरी स्कूल बस वैन से जा भिड़ी, इसमें 5 बच्चे घायल हुए हैं। वहीं परिवहन मंत्री ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घटना इंदौर के पूर्वी रिंग रोड पर रेडिंसन चौराहे पर सुबह लगभग 8 बजे हुई। प्रज्ञा स्कूल की बस MP09FA4639 विजयनगर से रिंग रोड की ओर जा रही थी। रेडिसन चौराहे पर स्कूल बस नियंत्रण खोते हुए आगे खड़ी वैन नंबर MP04BA297 से टकरा गई। स्कूल बस के कांच टूटकर 5 बच्चों को लगे। घटना से बच्चे बुरी तरह घबरा गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों ने बच्चों की मदद की व बाहर निकाला। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आदेश पर स्कूल बस का फिटनेस रद्द होने के साथ ड्राइवर का लाइसेंस भी निरस्त होगा। मंत्री राजपूत ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिवहन मंत्री के मामले की जांच के भी आदेश दिए हैं। भारतीय न्यूज़ के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट।